हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम लिस्ट को सीखेंगे। जैसे कि लिस्ट हमारे पास पाइथन में भी होती है, लिस्ट हमारे पास अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होती है, और डार्ट में हमारे पास हमें उस तरह की लिस्ट वगैरह मिलती है। हम बारी बारी उनको देखेंगे। तो सबसे पहले मैं याद आ देता हूँ कि मैं एक न्यू फाइल बना देता हूँ जिसको मैं नाम दे देता हूँ लिस्ट का, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ कि जहाँ देखो वाइड फंक्शन बना देते हैं, ठीक है, ताकि तो हम सारी लिस्टों को यहाँ पे बारी बारी टेस्ट कर सकें। तो अब हमारे पास लार्ड के अंदर सिक्स लिस्ट होती है, ग्लोबल लिस्ट होती है, और एक और हमारे पास खास तरह की लिस्ट होती है जिनको हम कहते हैं स्टैटिक या फिर जो है वो जेनेरिक्स भी होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिक्स लिस्ट के हवाले से। सिक्स लिस्ट क्या होती है? जैसे कि मैं लिस्ट लार्ड में किसी कोई भी लिस्ट बनाने का तरीका ये है कि भाई आपने जैसे कि लिस्ट का नाम लिख देना, मैंने लिख दिया माई लिस्ट। उसके बाद आपने एक न्यू का कीवर्ड लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने लिस्ट लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने पैंथेसिस दे देनी है और यहाँ पे सेमी कॉलन का देखो असाइनमेंट कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया? बेसिकली एक लिस्ट बन गई है जिसके अंदर जो है वो मैं इसको ये कह सकता हूँ कि मैंने इसको बता दिया इसकी लेंथ 3 होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमारे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्या कह रहा है? टाइप कर लो स्लैश कर देते हैं, हम इसको वार कर देते हैं, देख लेता हूँ, कोई इशू नहीं। हाँ, इससे पहले आपने वेरिएबल का नाम भी लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने इसको वार करके बता दिया और मैंने इसके अंदर डिफाइन कर दिया इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास आपका रिजर्व कीवर्ड आ जाएगा वार, जो भी आप डेटा टाइप को कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हो। तो उसके बाद आपने क्या लिख देना है इसको? लिस्ट का नाम लिख देना, न्यू लिख देना, जो कि क्या करेगा इसको मतलब कि ये वैल्यू को इनिशलाइज करवा देगा और इसकी लेंथ कितनी भी फ्री होगी। अब मेरे को अगर इसमें कोई चीज़ ऐड करनी होगी तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ माई लिस्ट, ठीक है। और माई लिस्ट के ऊपर जो है वो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे कि मैं इसकी पहले इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू स्टोर करना चाह रहा हूँ वो रखना चाह रहा हूँ मैं 33, ठीक है। तो ये तरीका होता है आपके पास इसकी वैल्यू को जो है वो आप से इनिशलाइज करवा सकते हो। और इसी चीज़ को अगर हम देखना चाहें तो मैं इसको सिंपली कर दूँगा, एक फ्रेंड के अंदर रख दूँगा। और उस फाइल को मैं सिंपली क्या कर दूँगा, रन कर दूँगा डॉट लिस्ट डॉट डॉट। तो यहाँ पे बेसिकली एक एरर आ रहा था, यहाँ पे मैंने इसको तोड़ के इसको मुझे दोष नहीं देना। और यहाँ पे मैंने इसका लिस्ट का नाम बिल्कुल ठीक दे देना, जो लिस्ट का नाम होगा वो सेम नाम रहा यहाँ होगा। तो अब मैंने इसकी वैल्यू को यहाँ पे इनिशलाइज करवा दिया 33 से, और जैसे ही इसको रन करूँगा तो आप देखोगे मुझे यहाँ पे 33 मिल रहा है, यानी माई लिस्ट के इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, वो 33 आ रही है। और ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिक्स लेंथ है, ठीक है ना। जैसा कि अब मैं ये करूँगा कि मैं इसकी जो है वो लेट्स से कि मैं फोर्थ इंडेक्स के ऊपर रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ इंडेक्स नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एक एरर जनरेटर होगा, क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो 3 तक ही है, 0, 1, 2, ठीक है, 3 इसके 4 तक तो है नहीं। तो ये आपके पास क्या होती है, फिक्स लेंथ होती है। यहाँ पर आप क्या कर देते हो, इसकी लेंथ को आप फिक्स कर देते हो, ठीक है। और इसके अलावा एक और तरीका आपके पास ये होता है कि अगर आप इसकी लेंथ को फिक्स नहीं करना चाहते हो, आप इसकी लेंथ को ग्रो करना चाहते हो, तो आपने तब यहाँ पे क्या करना पड़ता है, तब आपको यहाँ पे डिफाइन करने की नीड नहीं है। आप इस लिस्ट को एम्प्टी छोड़ दो तो ये क्या लिस्ट बन जाती है, आपके पास ग्रोबल लिस्ट बन जाती है। लेकिन ग्रोबल लिस्ट के साथ एक और प्रॉब्लम है, ग्रोबल को आप इस तरीके से जो है वो सब्सक्रिप्ट नहीं कर सकते। उसको सब्सक्रिप्ट करने का जो आपके पास तरीका होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरे को लिख देना माई लिस्ट, सबसे पहले तो लिस्ट का नाम, ठीक है। उसके बाद एक मेथड आपके पास होता है डॉट ऐड का, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास बेसिकली क्या करेगा, आपने अगर स्टैक पड़ा होगा तो स्टैक आपके पास क्या होता है कि भाई फर्स्ट इन लास्ट आउट होता है, ठीक है। अच्छा, ये इसको आप इस तरह से समझ लो, जो ये वैल्यू लेगा ना वो सबसे आखिर में लेगा, ठीक है। तो अब मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ 44, ठीक है। तो अब इसने पहले इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू रख दी है वो क्या रख दी है, 44 रख दिया। इसलिए मैं इसको यहाँ पे
प्रिंट करवा देता हूँ माई लिस्ट को। अच्छा अब मैंने इसको यहाँ पे सिंपली क्या प्रिंट करवा दिया, और मैं अब इसको कंपाइल करवा के आपको दिखाता हूँ। तो पहले इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 44 आ रही है। अब लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि दूसरे इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू हो उसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ। मैं इसको कहता हूँ कि मिस्टर प्रोग्रामर, मैंने इसको एक नाम दे दिया, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि लिस्ट के अंदर मैंने डिफरेंट तरह का डेटा टाइप ले लिया। यहाँ मेरे पास जो डेटा टाइप की वैल्यू वो इंटीजर है, और यहाँ मेरे पास जो डेटा टाइप की वैल्यू है वो क्या है, वो एक जो है वो स्ट्रिंग है, ठीक है। तो जैसे ही मैं करता हूँ तो पहले इंडेक्स के ऊपर आपको 44 दिख रहा है, उसके बाद आपको मिस्टर प्रोग्रामर मिल रहा है। अगर ये ग्लोबल नहीं होती, सिक्वेंस होती, तो मैं एक सर्टेन अमाउंट तक ही उसमें जा पाता, और उसके बाद मैं उसको आगे इन्हेंस नहीं कर पाता। वहाँ पे मेरे पास रिस्ट्रिक्शन होती है, वो बनाने का क्या तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये मेरे पास अभी क्या है, ये हमारे पास ग्रोएबल है, ठीक है ना, ग्रोएबल लिस्ट है हमारे पास ये। और अच्छा एक और तरीका मैं आपको दिखा दूँ कि आप किस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर मैं एक और चीज़ मैं उसको बता देता हूँ लास्ट में, मैं जो है वो माय गेस्ट लिस्ट, ठीक है, माय, उसके बाद मैं इसको एक और वैल्यू असाइन करवा देता हूँ। लेट्स से के मैं इसको कहता हूँ कि भाई बी एस कंसिडर साइंस, BSCS कर दिया मैंने, ठीक है। अब मेरे पास तीन इंडेक्स हो गए। अब बार बार हर एक को करवाना, प्रिंट करवाना भी मेरे लिए एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैं आपको एक लूप दिखाना चाह रहा हूँ। वो लूप बेसिकली क्या करता है जनाब, वो लूप आपके पास बेसिकली ये करता है कि सारी चीज़ों को वो आपको रिपीट करके यहाँ पे दिखा देगा। जैसे कि आपके पास 4 का है, और अच्छा 4 के बाद आपने क्या कर देना, उसको आई एक वेरिएबल के साथ उसको असाइन करवा देना है, और उसके बाद आपने इन 4 इन का लूप है ये बेसिकली, फॉर इन का लूप। अब हम बेसिकली लास्ट लेक्चर के अंदर तीन तरह के लूप पढ़े थे, जिसमें डू लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप का एक और लूप आपके पास यूज होता है, जिसको फॉर इन का लूप कहते हैं। उसके बाद फॉर इन का लूप बेसिकली क्या होता है कि एक आई के नाम को इनिशलाइज करवा दिया, और उसके बाद आपने इन कर दिया, यानी कि आपने आइट्रेट किसने किसने करना है। मैंने कहा मुझे आइट्रेट जो करना है वो माई लिस्ट के अंदर करना है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सिंपल सा लूप है। इसको आपने एक वेरिएबल के साथ इनिशियलाइज करवा देना, या आई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या आपके ऊपर। इनका मतलब कि आपने किस में आइट्रेट करवाना है। मैंने यहाँ पे इसको बता दिया कि मुझे माई लिस्ट के अंदर आइट्रेट करवाना है, और यहाँ पे मैं क्या दे दूँगा, सिंपली इसकी वैल्यू दे दूँगा जो बार बार रिपीटेशन होगी, ठीक है। सिंपल है, सिंपल से लूप पे दोनों आई लूँगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा तो यहाँ पर मैंने क्या कर, कुछ मसला यहाँ पर आ रहा है, मैं इसको देख लूँ। अनएक्सपेक्टेड एरर, स्ट्रिंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंट ए, अच्छा हाँ यहाँ पर बेसिकली ये मसला आ रहा है, क्योंकि ये टाइप जो है वो इंटीजर तरह की टाइप है, तो हम इसको इंट नहीं करते हैं, हम इसको जो है वो हम इसको एक और वर्ड से इनिशलाइज करवा देते हैं डायनामिक से। तो शायद अब हमारे पास इस तरह का एरर ना आए, क्योंकि ये अब डायनामिक हो चुका है। हाँ तो पहले हमारे पास क्यों एरर आ रहा था, पहले हमारे पास इस वजह से एरर आ रहा था कि जनाब वो जो डेटा टाइप थी वो हमारे पास इंटीजर थी, और उसको रिप्लेस नहीं कर पा रहा था। अब हमने क्या कर लिया, सिंपली इसको डायनामिक रख लिया, यानी कि ये बार बार चेंजेबल हो सकता है। तो हमने डायनामिक को इनिशियलाइज करवा दिया, इंटीजर से हटा के डायनामिक रखने की रीज़न ये थी कि वो पहले उसको रीमोडिफाई नहीं कर रहा, क्योंकि वो उसी वैल्यू को ले रहा था जो वो इंटीजर टाइप की थी। अब वो सारी वैल्यू उसको ले रहा है जो मुख्तलिफ तरह की, क्योंकि डायनामिक्स की तरफ हम चले जा चुके हैं। अच्छा लास्ट जो चीज़ अभी हम देखने वाले हैं, वो अब हम देखने वाले हैं जेनेरिक्स को। आप क्या चाहते हैं कि आप ये चाहते हैं कि आप एक ऐसी लिस्ट बनाएं, जैसे कि इस लिस्ट के अंदर मेरे पास डिफरेंट तरह की वैल्यूज आ रही हैं, मैं इंटीजर्स भी ले रहा हूँ प्रो मतलब के और स्ट्रिंग्स भी ले रहा हूँ, ठीक है। मैं उसमें सारा डेटा टाइप्स वगैरह ले सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरह का एक जो है वो लिस्ट बनाऊँ जो सिर्फ क्या कर सके, इंटीजर टाइप की वैल्यूज को ले सके, मैं उसको स्ट्रिक करवा रहा हूँ। तो वो बनाने का तरीका ये है कि जनाब आप सबसे पहले तो आप टाइप कर दोगे लिस्ट, आप बता दोगे कि आप एक लिस्ट बना रहे हो, उसके बाद क्या कर दोगे आप उसका डेटा टाइप बता दोगे। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इंटीजर टाइप की सारी डेटा टाइप बनाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पहले तो लिस्ट लिखने देना, उसके बाद उसमें आपने उसको बता देना कि आप इंट टाइप का डेटा बना रहे हो, तो इंट माय, अच्छा उसके बाद आप उसका नाम लिख दोगे, ठीक है। ये आपने यहाँ पे सेकंड में उसको डेटा टाइप बता देना, उसके बाद कोई एक नाम के साथ उसको आपने इनिशलाइज करवा देना, ठीक है।
उसके बाद आपने क्या कर देना है, एक कोर कंस्ट्रक्टर बना देना है न्यू लिस्ट यानी, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, एक ऐसी लिस्ट बना दी है जो क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ जो है वो इस तरह के डेटा को लेगी जो के आपके पास इंटीजर टाइप का डेटा होल्ड कर सकता है, अदरवाइज ये कोई और तरह के डेटा को नहीं लेगी, ठीक है। तो मैंने इसकी वैल्यू को एड करवा दी 33, ठीक है। अब अगर मैं इसी को प्रिंट करवा दूँ, ठीक है, मुझे कोई एरर नहीं मिलेगा यहाँ पे, टी आर आई एन की प्रिंट, ठीक है। और प्रिंट के बाद जैसे कि मैं इसको कह देता हूँ, मैंने लिस्ट इंट माई के नाम से बना दिया था, ठीक है। और उसके बाद मैं जो कर रहा हूँ उसको सिंपली यहाँ पे जो है वो शो करवा रहा हूँ, तो आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल सही हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसकी वैल्यू को चेंज करके एक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ, ए बी सी के अंदर मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसमें मुझे स्टार्टिंग में एरर दे दिया, वहाँ पर वो मुझे बता रहे कि सर ये आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देखोगे कि भाई स्ट्रिंग कैन नॉट असाइन इन टू दी प्रोग्राम दैट इंट है, तो यहाँ पे हमने इसको ऑलरेडी बता दिया कि यार जो भी डेटा आपके पास आएगा वो डेटा किस टाइप में आएगा, वो डेटा आपके पास इंटीजर की फॉर्म में आएगा। तो ये आपके पास बेसिकली क्या हो सकते हैं, इसको आप जेनेरिक भी कह सकते हो, ठीक है, या बस जेनेरिक तरह का, ठीक है। और ये आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से बना सकते हो। तो फ्रेंड्स हमने इसके अंदर जो है वो लिस्टों को देखा, जिसमें हमने स्टैटिक टाइप की लिस्ट देखी, ठीक है ना। उसके अलावा हमने इसमें फिक्स लेंथ देखी, ग्लोबल देखी। तो फ्रेंड्स अगर आपको लिस्ट के हवाले से, उसके अलावा हमने इसमें लूप भी देखा, फोर इन का लूप भी हमने देखा, ठीक है। अगर आपको इसके हवाले से किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली अपने कंफ्यूजन से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।